फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। ये देखिए धूप की वजह से जो बाहर का बरामदा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ मेरा बड़ा बेटा भी नहा लिया है, छोटा बेटा भी नहा लिया है। तो ये देखिए घर का भी मेरा सारा काम हो चुका है। और दिखा आपको, ये दिखाऊं मैं, ये देखिए लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं। लाइट्स देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने इसी में इसको डेकोरेट कर दिया था कि नाइट में जलते हुए और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और ये सभी देखिए, मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में भी दिखाया था, ये सारी बॉटल्स मेरी DIY खुद की बनाई हुई है। और एक ही एक बॉटल ये रखी है, देखिए इसमें भी मैंने लाइट्स डाल दी हैं। तो बस फ़िलहाल मेरा काम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, काम मेरा हो चुका है सारा। और अब मैंने जाना है मार्केट, कुछ थोड़ा बहुत सामान जो है मेरा रह गया है। तो बाकी की सारी तैयारियां मेरी हो चुकी हैं, बस अब थोड़ा बहुत जो सामान था वो मैं सोच रही हूँ लेके आ जाऊँ। तो फ्रेंड्स, जब मैं वो सामान लेके आ जाऊँगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं आपको ये दिखा रही हूँ बॉटल कितनी अच्छी लग रही है, आप ये देखिए। तो फ्रेंड्स, सामान मैं लेके आऊँगी और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तो फ़िलहाल मैंने ये देखिए बस लोअर डाला हुआ है गरम, और ये मेरा लॉन्ग स्वेटर बोल सकते हैं आप, तो ये डाला हुआ है मैंने, नहा के मैंने डाल लिया था। और बस अब साड़ी वगैरह निकालनी है, साड़ी ही पहनूंगी। तो देखती हूँ कौन सी साड़ी मैंने पहननी है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आप लोगों से ज़रूर 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 से मिलूँगी। हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं हो चुकी हूँ तैयार। ये है मेरी साड़ी, देखिए। एक्चुअली मेरा जब बड़ा बेटा हुआ था ना, तब मेरे मम्मा लेके आए थे ये साड़ी मेरे लिए। तो हमारे राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ, तो हमारे में इसे पीले की साड़ी कहा जाता है। तो पूजा पाठ में ये बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत वैसे पूजा पाठ के लिए ही होती है ये। कोई भी हमारा कोई भी पूजा पाठ में मैं ज़्यादातर यही साड़ियाँ यूज़ करती हूँ। मेरी और भी मेरे पास 2-3 साड़ियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, और जो मेरा जो पूजा की जगह है वो भी मैंने अपना प्रिपरेशन कर ली है, उसकी तैयारी कर चुकी हूँ मैं। बस बच्चों को बुला रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं नीचे, तो बस एक तो आ चुका है और एक कहता है कि अभी आ रहा हूँ। तो ऐसे करते करते वो देर लगा रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, देख सकते हैं आप। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी साड़ी कैसी लगी। तो ये देखिए मैंने अपनी पूजा की जगह पर भी तैयारी कर ली है। और यहाँ देखिए आज मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे सजे धजे हुए हैं, देख लीजिए। इनकी न्यू ड्रेस आज ही आई है, और माला आज ही आई है, इनके कंगन आज ही आए हैं। तो देखिए कितने सज रहे हैं न्यू ड्रेस में। और बस ये मेरी चक्रियाँ हैं, बाकी मेरा जो मंदिर में देने वाला सामान है वो है, श्रृंगार चढ़ाया है। और बस अब थोड़ी देर में ही मैं पूजा करने वाली हूँ। ये देखिए गन्ने लाए जाते हैं, देखिए गन्ने कहाँ तक जा रहे हैं मेरे। गन्ने एक्चुअली मिल ही नहीं रहे थे, तो बस फ्रेंड्स मैंने कर दी है पूजा स्टार्ट। तो यहाँ मैंने दिया बाती जगा दिया था, और अब मैं सारे देवी देवताओं को तिलक करूँगी। तिलक लगाने के बाद मैं मूली चढ़ाऊंगी, अर्पित करूंगी मैं सभी देवी देवताओं को। और ये देखिए कैलेंडर में जितने भी चित्र बनाए हुए हैं उन सब पर मैं अच्छे से तिलक लगा दूंगी।
उसके बाद मैंने अपने दोनों बच्चों को भी तिलक लगाया है और दोनों बच्चों के अब मैं हाथों पे मौली बांधूंगी। उससे पहले मैंने चक्रियों पे मौली बांधी है जो घड़े लाए जाते हैं उन पर, और उसके बाद दोनों बच्चों के हाथों में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अब आ गई थी किचन में। किचन में अपना माता को जो भोग लगता है उसका प्रसाद मैं बना रही थी। तो इसे गुलगुले बोलते हैं, कई लोग पुए बोलते हैं, हमारे पुए बोले जाते हैं इन्हें। तो ये पुए मैंने बनाए थे और ये देखिए, मैंने पुए, पूड़ी और हलवा, माता का हलवा बनाया था। ये देखिए, माता का हलवा, पूड़ी और पुए प्रसाद मैंने रेडी कर लिया था। और यहाँ देखिए, अब आ गई मैं तारे को अर्घ देने। बस बेटे को कहा था थोड़ा सा वीडियो बना दो, तो उन्होंने वीडियो बना दी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दे दिया है तारे को अर्घ और अब मैं अपना फास्ट खोलूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा व्रत जो है वो होता है संपन्न। मेरा व्रत मैंने संपन्न कर लिया है, तारे को अर्घ दे दिया है और मैं अपना फास्ट खोलूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से अपना अहोई अष्टमी का व्रत संपन्न किया होगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ माता रानी से, हम मेरे व्यूवर्स की और दुनिया में जितने भी माताएँ हैं उनकी संतान को दीर्घायु दे, निरोगी काया दे और उनको अच्छे से सुखी रखे, सुख शांति उनको दे। तो फ्रेंड्स, बस इसी उम्मीद के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।